एक बात बता भांड। देखिए पहली बात तो मेरा नाम भांड नहीं, भांड नेपोलियन है। इतने प्यार से मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा है और अब तो मेरी कैटेगरी चेंज करने पे तुले हुए। सही है, तेरे माँ बाप ने एकदम सूटेबल नाम रखा है। वैसे आपका नाम क्या है? भोजू हार्निया। आपका भी सही नाम रखा है, खोजेला भोजू। तेरे को शर्म नहीं आती? पेशेंट तेरे पास कोई बीमारी लेकर आता है तो उसे डायरेक्ट काट देता है। मैंने पहले डॉक्टर का काम सीखा है, उसमें क्या होता है कि कोई बीमार हो तो पहले उसे चेक करो, गोलियां दो, एक महीने तक इंतजार करो। मैंने सोचा इतना टाइम किसके पास है, काटो फेंको बीमारी जड़ से खत्म। मेरी दुआ है तुझे एड्स हो जाए तब पता चलेगा। दर्द सही हुआ? हाँ हो गया। नई वीडियो की स्क्रिप्ट निकाली है या नहीं? हाँ, और तैयारी भी कर ली। हमें भी बताओ कैसे बनाते हैं। हाँ हाँ बताते हैं, चलो शुरू करो। फिर क्या आपको पता है? नहीं हमें नहीं पता, उधर देख कर बताओ। कैमरा उधर है। 2011 में टोक्यो की गवर्नमेंट ऑफिशियली टोक्यो के एक सिटी में रहने वाले 111 साल के आदमी को उसके जन्मदिन की मुबारकबाद देने गए और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। हाँ, क्या हुआ होगा? जैसे ही वो लोग घर में घुसे होंगे तो वो बुड्ढा गुलाटियां मार रहा होगा। ऐसा क्यों? अरे वहाँ के बुड्ढे 150-150 साल तक जिंदा रहते हैं। अरे वो जापान के लोग होते हैं जो 100-100 सालों के बाद भी एकदम फिट होते हैं। तो इस बुड्ढे का क्या हुआ फिर? जब टोक्यो गवर्नमेंट के लोग घर में गए और रूम खोलकर देखा तो पता चला कि वो आदमी 30 साल पहले ही मर चुका था और घर वालों ने पेंशन खाने के लिए 30 सालों से इस बात को छुपा रखा था। यानी बुड्ढा 30 साल पहले ही निपट चुका था। गजब टोबीवाज फैमिली थी वे। इतने साल घर वालों ने कैसे मैनेज किया होगा? आजकल टाइम का पता चलता कहाँ है, यूँ 24 घंटों में एक दिन निकल जाता है और 60 मिनट में एक घंटा। के एक रिसर्च के मुताबिक अब ये भी कहा जा रहा है कि अब टाइम को भी घटा दिया जाएगा। मतलब टाइम घटाने का मतलब क्या है? मतलब ये कि अभी जो 1 मिनट 60 सेकंड का होता है तो उसे घटाकर 59 सेकंड का कर दिया जाएगा, यानी कि 1 मिनट 60 सेकंड की बजाय 59 सेकंड का होगा। और ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि जमीन स्पीड से स्पिन कर रही है यानी घूम रही है, इसीलिए साइंटिस्ट टाइम को भी शॉर्ट करना चाहते हैं और ऐसा कहा जा रहा है। ये एक फैक्ट है। टाइम जो है वो इंसानों द्वारा बनाया गया है, इसीलिए 1 घंटे में 60 मिनट रखो या 30, कुदरती तौर पर उतना ही वक्त लगेगा जितना लगना है। चीचा बड़े समझदार हो तुम तो। मैं 8वीं फेल नहीं हूँ। इनका पेट यूं ही नहीं बढ़ा है, लोगों को खुजा खुजा करने अब तक पेट बढ़ा लिया है। तूने कभी मुंह पर ढेबरा खाया है? ढेबरा नहीं तो बेटे मैंने अपने ढेबरे से तेरा मुंह फोड़ देना है। सॉरी चाचा जी सॉरी। तू क्यों रुका? आप लोगों की भसड़ खत्म हो तो मैं बोलूँ ना। ये डॉक्टर के ना थोड़े स्क्रू ढीले हैं, थोड़े टाइट करने पड़ेंगे। मेरे नट बोल्ट स्क्रू सब टाइट है, बस अब अपने शेट के बटन संभाल लो। देखो बेचारे कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, खाने की जगह थोड़ा तो रहन खाओ। आप लोगों का हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? ठीक है तू बोल ले पहले। हाँ तुम कुछ फैक्ट बता रहे थे ना। आप लोगों से एक सवाल है, अगर आप लोग टाइम को रोक पाए तो क्या होगा? तुम्हें सबसे पहले अंबानी के घर से 3-4 करोड़ चुरा लूंगा। अबे छिपकली के मुंह, कभी तो अच्छा सोच लिया कर। डॉक्टर साहब बहुत घटिया सोच है आपकी। कैसा लगा मेरा मजाक? बिल्कुल तूने कक्कड़ के गाने जैसा। लेट है लेट है लेट है। आप क्या करेंगे चाचा जी अगर आप टाइम को रोक पाए तो? मैं तो सब कुछ करूंगा, घूमूंगा खाऊंगा पीऊंगा सब कुछ। नाइस, बट योर आइडिया विल नॉट वर्क। मतलब कि तुम्हारी सोच भी घटिया है। ये है कि अगर टाइम रुक गया तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर टाइम रुक गया तो लाइट भी ट्रेवल नहीं करेगी, रुक जाएगी, और अगर लाइट ही ट्रेवल नहीं करेगी तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। तो फिर क्या फायदा? वही तो। आप बहुत दिमागदार इंसान हो वैसे। चला जा डुक्कर वॉशिंग सेंटर के मालिक। आप लोगों से एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। जब इंसान घड़ी बना रहा था तब उसे कैसे पता चला होगा कि उस टाइम क्या टाइम हो रहा है?